नमस्ते दोस्तों, मिसेज जगदम्बा पायनियर किचन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बना रहे हैं आलू पोहा, जिसकी ये मसाले मैं भून ली हूँ। इसमें भूनी क्या हूँ, करी पत् 8 टेबल स्पून यानी खाने वाले बड़े चम्मच से 8 चम्मच डाल लीजिए सरसों का तेल। उसमें राई 1 टीस्पून और करी पत्ता 1 डंडी डाल के चटका लीजिए। उसके बाद उसमें प्याज 2 से 4 मिनट हल्का ब्राउन होने तक भूनिए, फिर टमाटर भूनिए। उसके बाद आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें 1 टीस्पून या 2 टेस्ट लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भून लीजिए। और उसके बाद 1/2 कटोरी ये मूंगफली है, इसमें मूंगफली आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए मूंगफली है। उसके बाद हम सब इसमें आलू डालेंगे, आलू पोहा है चूंकि, हरा धनिया डालेंगे। मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे आप सभी देख सकते हैं। तो और देखिए ऐसे ये पोहा 1 कटोरी था, इस कटोरी से ये नाप देख लीजिए, जिसे मैं इस छन्नक में ये नीचे ये देख ही रहे हैं छन्नक है, छन्नक से छान कर मैं उसको निथरने के लिए रखी हुई हूँ, थोड़ा फूल जाए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप बाकी रेसिपी देख ही रखी रही हैं। ये 1 नींबू जो इसमें लास्ट में निचोड़ना है। देखिए मसाला पैन छोड़ने लगा है, क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए लाइट अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सबको डायरेक्शन का अच्छा मेरे बोलने से और इसको उतना से ही लाभ मिलेगा। तो मैं अपने कुकिंग चैनल के नाम में मिसेज जगदम्बा पायनियर किचन में एडवोकेट लगाई हूँ, क्योंकि मैं लॉयर थी, मैंने लॉ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसलिए अपने अलग पहचान के लिए उसमें एडवोकेट जोड़ दी हूँ। अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे और 30 सेकेंड मात्र आलू चलाएंगे और उसके बाद उसमें इसमें पोहा ऐड करेंगे। ये मूंगफली आलू देखिए सब कुछ दिख रहा है, ये हमारा पोहा तैयार है। अब हम सब आलू 30 सेकेंड के बाद उसके बाद पोहा डाल के 1 मिनट चला लें। मसाला तो पूरी तरह अच्छी तरह भुनी गया रहता है, जब तली छोड़ने लगे तो समझिए आपका पूरा मैटर तैयार है। मसाले में सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालना है और अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे या धनिया पत्ती डालेंगे और साल्ट 2 टेस्ट डाल लेंगे। ये हमारा पोहा तैयार हो गया है, इसे चाहें आप तो 2 मिनट और पका लें गैस पे रख के मिलाकर, और इसमें नमक साल्ट 2 टेस्ट पड़ चुका है। और ये रेसिपी यदि बनाने में आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं फिर इसका वीडियो डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के रेसिपीज़ और दिखाने से हो जाता है तो फिर ठीक है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही न्यूट्रिशन भरा ये नाश्ता है, तो इसे आप ज़रूर घर में बनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।